आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार से पांच प्रश्न आपके 8 अप्रैल के दिन ऐसे आएंगे जिसमें उत्पादन के अनुसार रैंकिंग पे प्रश्न बन सकता है या फिर क्रमानुसार, यानी कि तीन चार राष्ट्र दे देगा या फिर भारत के राज्य दे देगा। जैसे कि कोयला उत्पादन में पहले तीन राज्य भारत के कौन से हैं, क्रम लगाने को दे देगा, आरोही या अवरोही क्रम में, तो आपको लगाना आना चाहिए। उसी क्रम में जो है, उसी प्रिपेक्ष में ये वीडियो मैंने तैयार किया है स्पेशली फॉर 8 अप्रैल आरओआरओ एग्ज़ाम। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आरओआरओ के लिए मिनरल्स इन इंडिया 2016-17 के स्पेशल डाटा हैं, खुद मैंने तैयार किया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारत का तीसरा स्थान किसके मामलों में है, किन मामलों में है। तो भारत क्रोमाइट, कोयला, जिंक के संदर्भ में भारत का जो वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग है वो तीसरी है। लौह अयस्क के संदर्भ में भारत का स्थान है पांचवा। स्टील क्रूड कच्चे इस्पात के रूप में जो है पांचवा, लेकिन तैयार इस्पात के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है दूसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे कवर करके बताऊंगा। ये क्रूड की बात हो रही है, यानी कच्चे इस्पात में, कच्चे इस्पात के संदर्भ में भारत का स्थान जो है पांचवा है, जबकि तैयार इस्पात उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत की जो रैंकिंग है वो थर्ड है, ठीक है, तृतीय। बॉक्साइट उत्पादन के संदर्भ में भारत का स्थान है छठवां, मैग्नीज सातवां, एल्युमिनियम आठवां। अब देख लेते हैं भारत के राज्यों के संदर्भ में। लौह अयस्क उत्पादन में भारतीय राज्यों के संदर्भ में प्रथम स्थान है उड़ीसा का, द्वितीय स्थान है छत्तीसगढ़ का, तृतीय स्थान है झारखंड और चतुर्थ स्थान है कर्नाटका का। स्वर्ण उत्पादन में भारतीय राज्यों के संदर्भ में कर्नाटका एकमात्र, 90% से जो है ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन जो है कर्नाटका में होता है, और ये आरओआरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दूसरे नंबर पे झारखंड, मेनली आपसे पूछा जाएगा, विकल्प के रूप में पूछा जाएगा, आरोही अवरोही क्रम में ये प्रश्न नहीं आएगा। आएगा तो सीधा पूछेगा कि स्वर्ण उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में कहाँ, हट्टी की कोलार खाने। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा, फिर है गुजरात, उसके बाद झारखंड, फिर है महाराष्ट्र। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर में आंध्र प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। जिप्सम, जिप्सम के संदर्भ में एकमात्र राज्य राजस्थान, ठीक है। जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4.5H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, लेकिन जिप्सम 2H2O हो जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वो मिनरल्स खनिज जिसके संदर्भ में हाईएस्ट रिजर्व कंट्रीज कौन है और हाईएस्ट प्रोडक्शन, यानी कि भंडारण के संदर्भ में कौन सा राष्ट्र सर्वोच्च है और उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राष्ट्र जो है उच्च है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इनमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे आरओआरओ में। कोयला, कोयला के संदर्भ में सर्वाधिक भंडारित, जो कोयला सर्वाधिक भंडारण वाला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन प्रश्न अगर पूछता है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन के संदर्भ में 2016-17 के संदर्भ में या फिर 2014-15 के संदर्भ में कुछ भी आए, अभी तक सेम रहा है डाटा, चाइना है नंबर वन पे उत्पादन के संदर्भ में, जबकि भंडारण के संदर्भ में यूएसए, ठीक है। ये वाली लाइन हाईएस्ट रिजर्व है, ये वाली लाइन हाईएस्ट प्रोडक्शन है। नेचुरल गैस पूछा जा चुका है दो बार ये प्रश्न, तो नेचुरल गैस भंडारण के संदर्भ में सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो है रूस, और उत्पादन के संदर्भ में है यूएसए अमेरिका। क्रूड ऑयल चार बार पूछा जा चुका है, दो बार यूपीपीसीएस में और दो बार आरओआरओ में, जिसमें एक बार मेन से पूछा गया था और एक बार प्री में पूछा गया था आरओआरओ के। तो क्रूड ऑयल कच्चा पेट्रोलियम तेल के संदर्भ में वेनेजुएला जो है रिजर्व के मामले में नंबर वन है, जबकि उत्पादन के संदर्भ में सऊदी अरेबिया। यूरेनियम, यूरेनियम का सर्वाधिक सबसे बड़ा भंडारित राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उत्पादन के संदर्भ में है कजाकिस्तान। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हाईएस्ट रिजर्व की ये लाइन है, हाईएस्ट प्रोडक्शन की ये लाइन है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, वहां से सीधा आप जो है वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर, तांबा, तांबा के लिए सर्वाधिक भंडारित राष्ट्र चिली है और उत्पादन के संदर्भ में भी चिली ही है। सोना, सोना के संदर्भ में सर्वाधिक भंडारित राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उत्पादन के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है चाइना। चांदी, अब तक तीन बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस आयोग के विभिन्न एग्जाम्स में, जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट और पीसीएस प्री है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चांदी के संदर्भ में जो सर्वाधिक भंडारित राष्ट्र है, जहां पे सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है चांदी के, वो है पेरू, जबकि उत्पादन के संदर्भ में है मैक्सिको। मैक्सिको पे प्रश्न पूछा जा चुका है और पेरू के संदर्भ में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न आपसे क्या पूछता है, भंडारण के संदर्भ में पूछा गया है या फिर उत्पादन के संदर्भ में, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या पूछ रहा है, और चांदी के ऊपर जो है स्पेशली तीन बार प्रश्न बन चुका है और क्रूड ऑयल के संदर्भ में चार बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मिस मत कीजिएगा इस प्रश्न को। तो चांदी के संदर्भ में सर्वाधिक भंडारण किस राष्ट्र में है, पेरू, और उत्पादन के संदर्भ में है नंबर वन मैक्सिको। लो अयस्क को देख लेते हैं, हाईएस्ट रिजर्व कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, जबकि प्रोडक्शन है चाइना में। डायमंड ऑस्ट्रेलिया, रशिया, बॉक्साइट वियना, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व। क्रूड ऑयल के संदर्भ में अब एक प्रश्न आ जाता है अक्सर आरोही और अवरोही क्रम में, तो वो देखते हैं फटाफट हम। क्रूड ऑयल के संदर्भ में, प्रोडक्शन के संदर्भ में यानी कि उत्पादन के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो है कच्चा पेट्रोलियम तेल के संदर्भ में जो उत्पादन है वो होता है सऊदी अरब में, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर चाइना, फिर कनाडा।
अब भंडारण की स्थिति में देख लेते हैं, वेनेजुएला, फिर आएगा सऊदी अरब, फिर आएगा कनाडा, फिर आएगा ईरान, फिर इराक, ठीक है, अमेरिका जो है इसके बाद है। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार यूरेनियम सिटी करके क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि भारत में जो है रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो थोरियम है, ना कि यूरेनियम। यूरेनियम की बहुत ही कम मात्रा में जो है भारत में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ थोरियम बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है, जो कि केरल के तटीय इलाकों में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि यूरेनियम उत्पादन संदर्भ में जो है वैश्विक क्रमानुसार राष्ट्रों का बताइए। तो यहाँ पर पहला ऐसा राष्ट्र जो सर्वाधिक उत्पादन करता है यूरेनियम का, वो है कजाकिस्तान, उसके बाद है कनाडा और फिर है ऑस्ट्रेलिया, जबकि रिजर्व में आंकड़ा एकदम बदल जाएगा। भंडारण की स्थिति में सर्वाधिक बड़ा राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, फिर है कजाकिस्तान, फिर है रूस और फिर है कनाडा। डायमंड यानी कि हीरा उत्पादन के संदर्भ में प्रथम राष्ट्र है रूस, फिर है बोत्सवाना, फिर है कांगो, जबकि रिजर्व भंडारण के संदर्भ में है पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर है कांगो, फिर है बोत्सवाना, फिर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है रशिया पांचवें नंबर पे। सोने के रिजर्व के मामले में नंबर वन है, रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और रशिया, जबकि उत्पादन के संदर्भ में जो स्वर्ण उत्पादन के संदर्भ में प्रथम राष्ट्र है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पूछा क्या है, उत्पादन की दृष्टि से या फिर भंडारण की स्थिति से, ठीक है। तांबा उत्पादन के संदर्भ में देख लेते हैं, चिली, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, जबकि चिली ही जो है भंडारण के संदर्भ में प्रथम राष्ट्र है। कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव स्टार के साथ, और ये प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हैं, भारतीय राज्यों के संदर्भ में भी जो है प्रश्न बनकर आ सकता है कोयला उत्पादन में, और रिजर्व के मामले में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कोयला उत्पादन के संदर्भ में प्रथम राष्ट्र है चाइना, उसके बाद आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत, जबकि भंडारण की स्थिति में प्रथम राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है, फिर है रशिया, फिर है चाइना, फिर है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या पूछा है, उत्पादन की दृष्टि से या भंडारण की स्थिति से, ठीक है, दोनों ही केसेस जो है आपके सामने हैं। पीडीएफ आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसके अलावा आप सीधे जा सकते हैं www.tayarijeetki.in पर, वहां आपको लेटेस्ट पीडीएफ इस वीडियो का मिल जाएगा। अब भारतीय राज्यों के संदर्भ में कोयला उत्पादन एक दृष्टि देख लीजिए, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राष्ट्र में, किस राज्य में होता है भारत के, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, उसके बाद झारखंड, झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। रानीगंज भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, इसके अलावा झरिया भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा क्षेत्र विशेष किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां से भी सुमेल करने पर प्रश्न आ जाता है, वो वीडियो मैं स्पेशली बनाऊंगा। तो यहां पे देख लीजिए कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जबकि भंडारण के संदर्भ में जो है सबसे बड़े जो कोयला राज्य हैं वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, भंडारण के संदर्भ में या फिर उत्पादन के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भों में प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए मैंने दोनों ही चीजें कवर कर दी हैं। आगे गोंडवाना लैंड जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध सेल तंत्र है, जबकि धारवाड़ धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध सेल तंत्र है। एक प्रश्न बन जाता है कि कोयला जो है किस संस्तर क्षेत्रों में पाया जाता है, किस सेल तंत्र में जो है पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड में, जबकि धात्विक खनिजे जो है वो धारवाड़ सेल तंत्र में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमारी वेबसाइट है tayarijeetki.in, स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा www.tayarijeetki.in। प्राकृतिक गैस उत्पादन के संदर्भ में जो है प्रथम राष्ट्र है अमेरिका, दूसरा राष्ट्र है रशिया, तीसरा राष्ट्र है ईरान और चौथा राष्ट्र है कनाडा, जबकि भंडारण के संदर्भ में है प्रथम राष्ट्र रसिया, फिर है ईरान, फिर है कतर, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और फिर है यूएसए। भंडारण के संदर्भ में यूएसए का स्थान जो है पांचवा है, जबकि उत्पादन के संदर्भ में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अब भारत के संदर्भ में प्राकृतिक गैस उत्पादन देख लेते हैं, सबसे ज्यादा पूर्वी घाटी, फिर है असम, फिर गुजरात और फिर है आंध्र प्रदेश। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा खनिज तेल के संदर्भ में जो है भारत की स्थिति है पश्चिमी घाटी, जिसको कि वेस्टर्न ऑफशोर भी कहा जाता है, उसके बाद है राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है असम। अब एग्जाम के लिए कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोयाबीन, सोयाबीन के संदर्भ में सर्वाधिक बड़ा राष्ट्र कौन सा है, तो वो है यूएसए उत्पादन के संदर्भ में, उसके बाद ब्राजील, फिर है अर्जेंटीना और उसके बाद चाइना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, इसीलिए जो है मैंने इन फैक्ट्स को कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा राष्ट्र जो कि माफ़ कीजिएगा राज्य जो कि सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है सोयाबीन का, और ये चार बार प्रश्न बन चुका है, दो बार आरओआरओ में और दो बार लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में। अब 2016-17 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत सेकंड रैंक पर है, किन मामलों में, धान उत्पादन, चावल, गेहूं, कॉटन, आलू, प्याज, टमाटर, जबकि अभ्रक के संदर्भ में भारत का जो है रैंक वो प्रथम है। कई बार प्रश्न बन चुका है कि अभ्रक के उत्पाद, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो वो है भारत। ध्यान दीजिएगा भारत इस्पात उत्पादन में हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार तृतीय सबसे बड़ा राष्ट्र है, इस पर प्रश्न बन सकता है सीधे सीधे, तो ये प्रश्न जो है मत छोड़िएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। गन्ने के उत्पादन में वैश्विक संदर्भ में प्रथम स्थान है ब्राजील का, दूसरे नंबर पर स्थान है इंडिया का, तीसरे नंबर पर है चाइना और चौथे नंबर पर है थाईलैंड, जबकि भारतीय राज्यों के संदर्भ में गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी, 38.5% का उत्पादन, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटक, जबकि सर्वाधिक मिले, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक गन्ने की मिले कहाँ है, चीनी मिले, तो महाराष्ट्र में है, लेकिन सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है यूपी में होता है, और लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भी यूपी में ही हुआ, तो ये प्रश्न जो है अगर आए तो गलत मत कीजिएगा। सर्वाधिक उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी का,
चीनी के उत्पादन में भी, गन्ने के उत्पादन में भी, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और फिर है कर्नाटक। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है असम का, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर है तमिलनाडु, फिर है केरल, और कॉफ़ी के उत्पादन के संदर्भ में कर्नाटक प्रथम स्थान है, फिर है केरल और फिर है तमिलनाडु। चाय उत्पादन के संदर्भ में जो है प्रथम स्थान है चाइना, इंडिया, फिर है कीनिया, फिर श्रीलंका, और पाँचवें नंबर पर है वियतनाम। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो प्रश्न पूछा है चाय के ऊपर, वो ये प्रश्न बना है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा है, तो ये राष्ट्र है कीनिया। ठीक है, क्योंकि चीन, चाइना और इंडिया चाय तो बहुत ज़्यादा उत्पादित करते हैं, किंतु भारत और चाइना में उनके जो है मूल निवासियों द्वारा ही इतनी ज़्यादा खपत हो जाती है नागरिकों द्वारा, कि निर्यात जो है चाय नहीं किया जाता, जबकि कीनिया में जितना चाय जो है उत्पादित होता है उतना ही जो है वो बेच दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो इस संदर्भ में प्रश्न यही बनकर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक चाय के संदर्भ में कौन सा है, तो कीनिया, जबकि उत्पादन के संदर्भ में चाइना प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक रबड़ में उत्पादन के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में थाईलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इंडोनेशिया, नंबर 3 पर वियतनाम, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे इंडिया, जबकि भारत के संदर्भ में केरल सबसे बड़ा राज्य है जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करता है। तो कुल मिला के हमने कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण आंकड़े देखे खनिज मटेरियल्स के संदर्भ में, इसके अलावा जो है फसलों के जो है संदर्भ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगता है, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आगे की तैयारी के क्रम में कौन सी वीडियो चाहिए।